रहे हैं दैनिक लाभ न्यूज 24, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज झाझा थाना अंतर्गत एक महिला की रेणु देवी जो 30 वर्षीय लगभग हैं उनकी हत्या कर दी गई धारदार हथियार से रात्रि के 12 से 1 बजे के बीच में। झाझा प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंच के जांच में जुटा हुआ है। अब देखते हैं मामला कहां तक सुलझ पाता है। दैनिक लाभ 24 के लिए जमुई झाझा से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सास से मैं बात करना चाहता हूँ, क्या हुआ था, मामला क्या है? कुछ नहीं सर। आपका क्या नाम है? सामा देवी। आपको कोई जानकारी नहीं है? कुछ नहीं, हम छत पर सोते थे। आप छत पे सो रही थी? हम कहीं पर, वो हम लोग छत पर सोते थे। देखो मच्छर दंगा का भी लग रही है। क्या है आपका? हा? आपका कौन लगता है? ये तो है इनका, इनका पति ऊपर में खड़ा है, बच्चा दोनों ले गया। हाँ, जिसको पार्टी के लेगा लाया। उसको तो बुढ़ने से कहवा ले जाना था ना। हाँ, वो ही चलेगा। तो बुढ़ने ही गया पहले 8 बजे। हाँ, सजाने के लिए गाड़ी सजाने। फिर 8 बजे, फिर 10 बजे फिर वापस आया खाली पानी का बोतल लेने। ना सर, कब? मैंने लड़का को पहुंचाने लेता हुआ, अभी जो जिसको लेगा। पानी का बोतल जब लेके गया तब ना, फिर लड़का को लेके गया हुआ। हम घर आए 1 बजे रात में। रात में आप कहाँ थे? तो गए थे बुढ़ने से रिजर्व गए थे टावा, शादी ब्याह का। हाँ, रिजर्व गाड़ी चलाते, हमारा गाड़ी है वैगनार। और आप यहाँ सुबह कितना बजे आए थे? सुबह न वही रात में 1 बजे आए, गेट खोले गाड़ी भीतर की, इतने बीच में देखे। क्या देखे आप? देखिए हमारा पत्नी मरल है, बेटी मरल है, बेटा मरल है। पुलिस आई, जब पुलिस को हम फोन किया, एसपी साहब को सर नंबर दिए, एसपी साहब को फोन, तब डीएसपी साहब आज दरोगा फोन किया हमको, तब पुलिस आया, देखा लहास को, तो बोला अरे पेट इसका भूभू कर रहा है, बेटी जिंदा है तो इसको हम उठाएं, और बेटा को हमारे बगल में मुरारी चाहे उठाए, बोले जिंदे हो बैठवा बेटिया, तब बाहर ले वहाँ चटा बिछा सुलाएं, तब पत्नी मरी पड़ी थी, दोनों बच गए। रात को पुलिस को सूचना किए थे? हाँ, हम एसपी साहब से बात की, एसपी साहब को बोले, तब डीएसपी आज दरोगा। आठ बजे हम बारात लेके गए थे टावा से, बुढ़ने से टावा। अच्छा, तो वहीं पर थे रात में सर, हम 1:15 लगभग आए, 1 बजे, तो हम घर फोन 500 बार लगाए, पत्नी मोबाइल में 2 मोबाइल, पत्नी पास रहता, मेरे पास 1 रहता है, दोनों में लगाए, तो वो नहीं रिसीव की, तो हमको गुस्सा भरा, माँ फोन की, माँ कहे ना खोलो, कर पूरा चिल्लाएं, तो माँ आकर खोली गेट, देखते हैं पत्नी सुतल, तब बेटी के फोन माथा में, तो हम खुनिया कैसे गिर गए चौकिया उसे की, तो लाइट जल रूम का जलाए, तो देखे बेटी भी पूरा खून, हमने सब मार दिया, तीनों मार दिया लगता, रामदेव बोला सच बात हो गया, मार रामदेव कौन है? वो हमारा बगल का, वो 1 महीना पहले पैसा हमसे 500 रुपया मांगा था, हम उसको पैसा नहीं दिए, तो अधिया हमको बोला कि हम बेटा ले क्रिया खाइए, मैं तोरा कभी भी तोरा जान मार, तो तोरा तुरका नहीं जाएगा, जितना पैसा सब तो बहुत सा है, बस वही वो घटना घटाया। रामदेव का पूरा नाम क्या है? रामदेव यादव, पिता धानेश्वर यादव। आप मृतका की का कौन, क्या रिलेशन है आपका? मृतका मेरी पत्नी है। कितने बच्चे हैं उनके? एक बेटा मेरा है सर, एक बेटी है। आप घर पे नहीं थे? नहीं, हम गाड़ी ले गए सर, मैंने सोई हुई अवस्था में उनकी हत्या कर दी, हत्या कर दिया गया सर, काट दिया सर, और नीचे गेट से भाग गया, नीचे इतना एक हाथ फाँका, उसी से आदमी घुसा, उसी से भागा पुलिस।